मारिए कटरो। सलाम नमस्कार आदाब, आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। इस वक्त हम उपस्थित है हावड़ा कोचिंग सेंटर। जैसे कि हमारे एरिया के हमारे व्यूवर्स को पता ही होगा हावड़ा कोचिंग सेंटर के बारे में, यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है। लेकिन आज हम यहाँ पे उपस्थित है एक कंपटीशन, जो आज के एरिया आज के लिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, बच्चों में ग्रोथ के लिए भी। तो आज यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन की जा रही है। और सबसे खास बात है, इस ड्राइंग कंपटीशन में हर एज की बच्चे से लेकर थोड़े एडल्ट तक को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रुप वाइज बनाकर इस पूरे कोचिंग सेंटर में ग्रुप वाइज बनाकर बच्चों को डिवाइड कर साथ ही साथ बच्चों को क्या क्या ड्राइंग करना है उसको थीम भी देकर सपोर्ट किया गया है। हम आपके अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह बच्चे पार्टिसिपेट करके किस तरह से ड्राइंग कर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि हावड़ा कोचिंग सेंटर, ये हम लोगों का 7 ईयर्स से जो है चल रहा, 7 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं। और हर साल जो है हम लोग ये ड्राइंग कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बच्चों के तरफ जो है एक तरह का अवेयरनेस जो है क्रिएट हो हमारे सोसाइटी में, और बच्चे जो है आर्ट एंड स्किल भी जो है सीखे। क्योंकि स्किल जो है, आर्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, जो कि हर सब्जेक्ट वगैरह में भी जो है बच्चों को जो है ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए जो है हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को जो है यहाँ पर भी सिखाया जाता है ड्राइंग वगैरह बच्चों को, तो हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़े। ये पिछला 2 साल से जो है हम लोग ये इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन हावड़ा कोचिंग सेंटर में। तो इससे पहले जो है हम लोगों का जो फर्स्ट सेकंड ब्रांच है ईस्ट वेस्ट नर्सिंग होम के सामने में अल अहद इंटरनेशनल स्कूल, वहीं पर जो है हम लोगों का शाम में जो है कोचिंग भी चलता है। और वहीं पर जो है हम लोग इससे पहला जो है ऑर्गेनाइज किए थे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और सेकेंड जो है ये कॉम्पिटिशन जो है ये हम लोगों का मेन ब्रांच है जो कि सनराइज क्लब जो है वहाँ पर ये आपका है ये हावड़ा कोचिंग सेंटर। तो इस साल जो है सेकंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरह का हम लोग सोचे हैं कि हर तरह के बच्चों को एज ग्रुप से लिया जाए। जहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका 2.5 साल 3 साल से बच्चों को जो है स्टार्ट किया गया है, और यहाँ पर पूरा आपका 18 प्लस तक के बच्चे यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ए बी सी डी, और हर तरह के ग्रुप से जो है इसको बच्चे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। अब देखा जाएगा कि बच्चे में कौन जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़र में हर बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो विनर है, मगर एक रूल्स होता है जो कि रूल्स को फॉलो करना होगा। तो कुछ ही बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड उस तरह आएंगे। आपके कोचिंग में कौन मतलब सारे सब्जेक्ट्स या कुछ खास पर बेसिक को लेकर आपको? तो हम लोगों के यहाँ पे कोचिंग में जैसे कि बता दें, यहाँ पे हावड़ा के जितने एक्सपर्ट टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर्स को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो है, क्योंकि हावड़ा में हम लोगों का स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर इस तरह का कोई कोचिंग, इस तरह का कोई पढ़ाने वाला यहाँ पर बहुत कमी है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों के मुआशरे में, हम लोगों का सोसाइटी में जो है इस तरह का एक कोचिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को जो है स्पेशल अटेंशन दिया जाए और स्पेशल टीचर्स जो है बाहर से आके यहाँ पे क्लास दें।
तो हम लोगों का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये कोचिंग चलाना नहीं था, कोचिंग चलाने के साथ साथ मकसद था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड यहाँ पे जो सोसाइटी, बच्चे, फैमिली बैकग्राउंड है, जिनके उतना आमदनी नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके इंग्लिश मीडियम से, और प्लस कोचिंग का जो है खर्च उठा सके। आज ऐसा है कि एक सब्जेक्ट पढ़ाने जाइए तो 500-400 जो है साइंस का इस तरह करके लगता है, पर हम लोगों का माशाल्लाह कोचिंग सेंटर इस तरह है, यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल जो है चार्जेस में जो है यहाँ पे जो है क्लास दिया जाता है, ताकि हर तबके के, हर क्लास के जो है बच्चे को, हर मीडियम के बच्चों को जो है यहाँ पे पढ़ाया जा सके। बताता चलूँ कि मैं टिकिया पढ़ा के, तो जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ हावड़ा में सेंट थॉमस हुआ, और भी मारियस डे हुआ, सेंट एग्नेस कन्वेंट हुआ, बड़े बड़े जितने स्कूल है यहाँ, तो कोलकाता के भी स्कूल से भी जो है यहाँ पे बच्चे आते हैं, और कोलकाता से हुआ, रिसरा से हुआ, टीचर्स जो है यहाँ पर आते हैं क्लास देने के लिए। जो बच्चों को जो है ट्रैवलिंग करके इतना दूर जाना पड़ता है, वो खुद टीचर्स लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, मगर शायद नॉलेज नहीं होंगे हम लोगों के सोसाइटी के यहाँ पे गार्जियंस को कि यहाँ पे इस तरह का क्लासेस चलता है। तो मैं इसके साथ साथ भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको प्लीज़ प्रमोट करें, ताकि जो हमारे सोसाइटी में जो बच्चे को नहीं पता, गार्जियंस हजरात को नहीं पता, they'll send their kids here. So हम our coaching center name is Hawara Coaching Center, and my name is Mohammad Mursalin Warsi. I am the educational head of this institute. और ये आपका ब्लेलियस रोड में सनराइज क्लब के पास में हमारा एक ब्रांच है, और our second branch is located near East West Nursing Home, जो कि ब्लेलियस रोड में ही है। ठीक वहीं पर जो है सुबह में हम लोगों का अल अहद इंटरनेशनल स्कूल चलता है, जो कि एंग्लो अरेबिक स्कूल है, जहां पे बच्चों को इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीन की भी पढ़ाई जो है वहां पर करवाई जाती है। जो कि ऐसा स्कूल जो है हम लोग के हावड़ा में अभी तक के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम इन हावड़ा वी हैव स्टार्टेड सच काइंड ऑफ स्कूल, एंड स्कूल नेम इज अल अहद इंटरनेशनल स्कूल।